हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय जासीन। देखिए हम मसोबा जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता देखिए कैसा है, पूरा जंगल है, सब कुछ है। कहते हैं मांडा चिकाड़ूबाई के बाद ये एकदम नीचे जंगल में कम से कम 10 किलोमीटर है, और मैं नंगे पैर चल रही हूँ ऐसे रास्ते पे। एकदम मेरा बस यही कहना है कि मसोबा भगवान का, क्योंकि मैं पिछली बार भी दो तीन बार यहाँ पे आई लेकिन यहाँ पे दर्शन करने नहीं आ पाई, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला दर्शन करने का। लेकिन आज मैंने माना था। आपको शायद लगता होगा कि मैं अचानक से क्यों जोगवा जागरण सब रखा है। एक्चुअली मैंने गांव से निकलते समय मन्नत मांगी थी कि मैं बॉम्बे जाऊंगी तो जोगवा जागरण रखवाऊंगी, माँ का काड़ूबाई का सब 10 औरतों को दर्शन करवाऊंगी। सब बहुत अच्छे से हुआ, यहाँ तक कि मैं जब अंदर गई तो मुझे आधा घंटा बिठाया, माँ को स्वयंभू रूप को देखा, स्वयंभू रूप को मेरे सामने माँ को साड़ी से सजाया, फिर मैंने माँ को सोने की नथ पहनाई, पंडित जी ने सोने की नथ पूरी माँ को मेरे सामने पहनाई, हमको आरती दी, मुझे और विशाखा बहन को। सोचो विशाखा बहन का इतना नसीब कि वो आरती भी लिए। और आज मैं यहाँ रुक रही हूँ रात को, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। ये देखिए सब कैसे दिख रहा है आपको, ऐसे रास्ते से मैं चल चल के जा रही हूँ सब जगह से। चल चल के मैं मसोबा जा रही हूँ। कहते हैं मसोबा भगवान बहुत गुस्से वाले होते हैं, सबका काम बहुत अच्छा करते हैं, और लेकिन मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जा रही हूँ कि बच्चे अच्छे से हो। और बस एक बात का गुस्सा है, झूठ नहीं बोलूँगी, एक बात का ये गुस्सा है कि जब मैं पिछली बार अपने घर पे जब मैं आई तो तुरंत मेरे को जागवा जोगरण रखना था, तो कुछ लोगों ने जागवा जोगरण रखने नहीं दिया। यहाँ तक कि जो लोग जागवा जोगरण रख रहे थे, हमारे यहाँ आ रहे थे, उन लोगों से भी गाली गलौज हुई, उन लोगों को भी डराया धमकाया। ऐसे शोभा नहीं देता ये सब चीज़ें। क्या हुआ ये तो सब रोक के, आखिर काड़ूबाई ने उन्हीं के हाथों से जागा जोगरण करवाया, हमारे काड़ूबाई का जागा जोगरण हुआ। अभी कल हम धावजी पाटिल जाएंगे, धावजी पाटिल में होगा, वहाँ से एकवीरा जाएंगे, एकवीरा में होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, किसी गरीब की ना कभी हाई नहीं लेनी चाहिए थोड़े से पैसों के लिए, और किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये बात याद रखना। मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये बात हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी तैयारी की थी, राशन पानी लिया था, सब कुछ लिया था। पूरी तैयारी करने के बाद सामने वालों ने मेरा जागवा जोगरण रोका, और रोका सामने वाले ने बेचारों को गाली तक दिया। मैं एक बात बताऊँ, मेरी अभी अन्नू जी होती ना इस जगह पे तो अंदर तक घुस गई होती, क्योंकि हमको इनकी इज्जत करनी चाहिए। अन्नू जी किन्नर समाज एक ऐसा होता है ना, जिनका आशीर्वाद मिले तो हमारी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, और उनका श्राप मिले ना तो 7 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। और मेरे को पता चला था कि बेचारी जो मेरे यहाँ जागवा जोगरण करने थे उसको गाली दी गई, धमकी दिया गया। मैं सच बोलूँ ना, मुझे इतना बुरा लगा। सब लोग सबको गाली देते हैं, सबके अंदर बहुत घमंड है कि मैं हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे अंदर का घमंड कभी नहीं जा सकता। मैं आज सच बोलूँ, मसोबा भगवान के पास जा रही हूँ, यही बोलूँ कि भगवान सच्चे मन से विद्या देवी इस कंकड़ पत्थर पर चल के आ रही है ना, तो जितने लोगों ने मेरा काम धंधे का रास्ता रोकने की कोशिश की, जितने लोगों ने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की, जितने लोगों ने बार बार अड़चन डालने की कोशिश की, उनका सबका सत्यानाश करना। और दूसरा, जिसने जागवा जोगरण करते हुए जागवा जोगरण कर रहे के टाइम पे रोका, ये किया, सब किया, वो अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि सबके मुँह में गाली निकलती है, सब लोग ऐसी गंदी गाली देते माँ बहन के ऊपर, सबको बोलते तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भूसड़ा, सबको सबकी माँ के भूसड़े में घुसना है। तो तुम्हारी माँ क्या लड़ लेके पैदा हुई है, तुम्हारी माँ के पास होनी है? कोई इंसान ईमानदारी से 2 पैसा कमाता तो तुम लोग उसको डराओगे, धमकाओगे, गाली दोगे? अच्छी बात है, बताओ। तुम्हारे घर में मतलब सबकी माँ बहन फालतू पड़ी है, तुम्हारी माँ बहन अच्छी है? मैं तो यही चाहूँगी कि जिसने ये घमंड किया, जिसने ये सब किया ना, उसका सत्यानाश करना, कुछ मत छोड़ना। और मैं जो यह काम करने आई हूँ, जो ग्रुप वालों में भी जो नाटक करते हैं उनको सबक सिखाना, जिनका ग्रह नक्षत्र बिकड़ा है, जिनके पूजा कराई, उनका पूजे का काम होगा आज, और मेरे बच्चे का काम होगा। देखो इधर सब कैसे किया हुआ है, ये मसोबा के जाने का रास्ता है। देखो किसी की फ़ोटो लगाई गई है, किसी के साथ क्या है, मैं भी सोचती हूँ 2-4 फोटो लगा ही दूँ क्या आज इधर। लेकिन घमंड बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बात देखी है, इंसान घर के अंदर भरे गाली सुनेगा, घर के अंदर सब लोग भीखी मिली बन के देते, लेकिन बाहर सबके अंदर बड़ा जोश आता है। कोई इंसान इज्जत करेगा तो उसके साथ बहुत बेइज्जती करते हैं। ये देखिए यहाँ सब कैसा बांधा हुआ है।
देखिए मैं चल रही हूँ, मसोबा पहुँच रही हूँ धीरे धीरे, आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं दिल से श्राप तो दूंगी आज कि जिस तरह से आप लोग इंसान का इंसान जानवर किन्नर में फ़र्क नहीं करते हो, किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते हो, गाली देते हो, उस तरह भगवान करे आपके आने वाली 7 पीढ़ियों में किन्नर ही पैदा हो, तब उनको पता चलेगा क्या होगा। जिसने मेरे साथ ये हरकत की है उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। विद्या देवी क्या चीज़ है ये थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा। मैं ये वादा करती हूँ कि जिसकी आने वाली पीढ़ियाँ अगर किन्नर पैदा नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं अभी भी चाहती हूँ कि कुछ लोगों के साथ कुछ इतना गलत हो जिसको सुधारने वाला कोई ना मिले। कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ा पुलिस केस, बड़ा कुछ। ये देखिए मंदिर आ चुके हैं, देखो आप लोगों से बात करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ का काम करके फिर मैं बाद में बात करूँगी आप लोग से। जय माता दी।